Our good news today comes from a village in Jammu and Kashmir's Kupwara, where people have to take long walks to fetch drinking water. Now, one man's simple solution has proven life-saving for the people of his village. It's our good news today story. A 2 kilometer walk just to get clean drinking water. The trek was a daily routine for people of Rajpora village of Handwara town in the Kashmir Valley. The water locally available was not fit for consumption, but government authorities could hardly be bothered. मतलब हम 1.5 किलोमीटर दूर आते हैं यहाँ पानी के लिए, बच्चों को घर पे छोड़कर हम आते हैं, फिर पहुँचते हैं यहाँ पानी के लिए. लेकिन मतलब फिर किसी ने, हमने बहुत सारों को कहा कि हमें पानी चाहिए, पानी की ज़रूरत है हमें. मतलब बहुत आए भी यहाँ पे, हमने हड़ताल भी की, आए कहा कुछ कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे ये वो, बाद में कुछ नहीं हुआ. Then arrived a savior, a man who found a solution during one of his rambles with friends. सरकार के लिए तो बहुत बड़ा मसला था, लेकिन हमारे लिए तो उतना मसला नहीं था. 20-25 हज़ार का मसला था, तो हमने हल सिरी पे ये काम किया. यहाँ पे कुछ लड़कों ने मिलके इसमें स्टोरेज टैंक बनाया. The villagers can't thank him enough. They no longer have to travel 2 kilometers to haul water to drink. ये तो इनिशिएटिव जाता है एक लोकल को यहाँ. वो इश्फाक है लड़का, एक वो तो पढ़ा लिखा है, वो बेदार हो गया, जहनी तौर वो बेदार हो गया कि क्या उन्हें मैं इस मोहल्ले को पानी दे सकूं. तो उसने अच्छा कदम किया. वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट दैट फेलो. बट दे स्टिल डोंट हैव द कंफर्ट ऑफ ओपनिंग अ टैप एंड गेटिंग वाटर इन देयर होम्स. अब जो है इसमें प्रॉब्लम ये है कि नीचे जो है पीएचई का स्टोरेज टैंक बना हुआ है, यहाँ से उसको वहाँ तक कैरी फॉरवर्ड करना, उसके लिए जो हमें पाइपें जो है वो दरकार हैं. तो उसमें हमने डिमांड की थी इनको, बहुत बार हमने पीएचई को डिमांड की थी, लेकिन उसमें कोई सपोर्ट हमें नहीं मिल रहे. For tap water to reach their homes, they will need the government's help. It's time authorities woke up to provide the most basic need of life to this part of the Kashmir Valley. Bureau Report, India Today.